हरियाणा में बीजेपी में लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या नेता क्या अभिनेता, हर कोई बीजेपी पर अपना भरोसा जता रहा है और अब इसी कड़ी में दो नाम और शामिल हो गए। जेजेपी का दामन छोड़कर महावीर फोगाट और उनकी रेसलर बेटी बबीता फोगाट ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि धारा 370 के हटने पर जब बबीता फोगाट ने इस फैसले के लिए बीजेपी सरकार की तारीफ की थी तो तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, जहां आज इस पर मोहर भी लग गई। आज मैं मुझे इस परिवार से, बीजेपी परिवार से जुड़ के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और खासकर जो 370 ए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटाई है, उससे तो मतलब एक फैन भी नहीं मैं कह सकती कि मैं कुछ अलग ही, मन में एक अलग ही मुझे खुशी हो रही थी। मुझे लगता है पूरे भारत देश को इसके ऊपर खुशी होगी और हर कोई मुझे लगता है बीजेपी परिवार से जुड़ना चाहेगा। हमें बहुत खुशी है क्योंकि जो मैंने जो हमारे जो मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने जो जो पाकिस्तान जो पुलवामा गांव जो घटना हुई थी उसके बाद में तुरंत बदला लिया, और जो अब जो 370 धारा 35A हटाना, ये मेरे को नहीं सारी दुनिया को प्रभावित हुई। जो आज तक ये इतिहास दिया सारी दुनिया में जो काम किया है कोई कर नहीं सकता था। इधर हिंदुस्तान का कोई भी पार्टी ये 370 और 35A को हटाने वाले नहीं थी। कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी फोगाट फैमिली में से किसी एक को टिकट भी दे सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी में थे। अब बीजेपी में दोनों के जाने से हरियाणा में जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।